What's going on guys, RG here. मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक और एपिसोड डिजर्विंग इंडियंस का. इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मोहम्मद हनीफ के बारे में. जी हाँ, ये है एक एम्बुलेंस ड्राइवर और इन्होंने एक ऐसा कांड किया है जिसे सुनने के बाद मेरे और आपके सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. जी हाँ, इन्होंने बचाई है जान एक 40 दिन की बच्ची की. तो हम पूरी कहानी आज के एपिसोड में डिस्कस करेंगे. उससे पहले आप जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि मैं चाहता हूँ इस इंसान के बारे में सारा देश जाने, सो दैट एवरीबडी शुड गेट इंस्पायर्ड. एंड बिग सल्यूट टू दिस गाय. क्यों, जाके देखो हमारे एपिसोड के अंदर. चलो शुरू करते हैं. जय हिंद इंडिया. तो आज हम बात करने वाले हैं मोहम्मद हनीफ के बारे में. जी हाँ, मोहम्मद हनीफ एक ऐसा नाम जिसे सुनने के बाद हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है, द सेवियर. जी हाँ, इन्होंने एम्बुलेंस चलाई है, 400 किलोमीटर का सफर तय किया है हिंदुस्तान के बिजी रस्तों पे 4 घंटे के अंदर. और मैं इस चीज के लिए इनकी तारीफ इसलिए करूंगा, वैसे मैं प्रमोट नहीं करता रैश ड्राइविंग, लेकिन जो काम इन्होंने किया है ये रैश ड्राइविंग करके, शायद हमें शुक्रगुजार होना चाहिए. इनका दिलों हर दिल इनका शुक्रगुजार होगा, क्योंकि 40 दिन की बच्ची की जान बची है. वो कैसे बची है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ आपको पहले बता दूँ, ये क्रेडिट सिर्फ मोहम्मद हनीफ को नहीं जाता, ये जाता है पूरी कर्नाटका गवर्नमेंट को. एंड गाइज, मैं एक पंजाबी हूँ, आई बिलोंग टू स्टेट ऑफ पंजाब फ्रॉम लुधियाना, लेकिन आई एम टॉकिंग गुड अबाउट कर्नाटका, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है पूरी कंट्री के लिए, हर एक गवर्नमेंट के लिए, हर एक स्टेट के लिए, कि शायद अगर ये प्रैक्टिसेस हमारी स्टेट्स के अंदर भी होने लग जाएं तो शायद हम एक अलग लेवल पे पहुंच सकते हैं एज अ कंट्री. तो गाइज, पिछले दिनों में एक बच्ची था जिसका हार्ट फेल हो गया था, 40 दिन की बच्ची है वो, एंड शी नीड टू हैव अ हार्ट ट्रांसप्लांट. तो कहीं से पता चला कि मैंगलोर के अंदर बच्ची है, बेंगलोर में एडमिट है, और मैंगलोर के अंदर एक हार्ट अवेलेबल है. एंड मोहम्मद हनीफ वहां पे एक एम्बुलेंस ड्राइवर थे, इनसे पूछा गया कि क्या आप ये हार्ट बेंगलोर तक जल्दी से जल्दी पहुंचा सकते हैं. तो इन्होंने बोला कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर दूंगा, पूरी जान लगा दूंगा. और इन्होंने सच में जान की एक ऐसी बाजी लगा दी जिसे लगाने के लिए हम अक्सर फिल्में देखते हैं, जिसे देखने के लिए हम कह देते हैं कि फलाने हीरो ने बहुत बड़ा कांड किया अपनी जान की बाजी लगा के एक लड़की की जान बचाई. नहीं, ही इज द रियल हीरो. वी टॉक अबाउट रियल हीरोज ऑन दिस शो. इन्होंने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया कि हाँ, जो चीज जिस चीज के लिए बनी है उसी चीज के लिए यूज की जानी चाहिए. एक एम्बुलेंस जान बचाने के लिए बनी है. इन्होंने एम्बुलेंस को उस तरीके से चलाया कि वो बच्ची के लिए 4 घंटे में दिल लेकर पहुंच गए. आप यहाँ पे वीडियोस देख रहे होंगे, इनको बहुत सम्मान मिला है हर एक रेजिडेंट की तरफ से कर्नाटका स्टेट के. लेकिन मैं आपको एक बात बोलूंगा, सलमान खान ने भी इन्हें 50 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी है, और वो रादर इनके घर पहुंचे हैं इन्हें देने के लिए. मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो वीडियो आपके लिए प्ले कर सकूं. लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा कि गाइज, ये एक बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल सी बात है अगर हम इसे रेगुलर बेस में प्रैक्टिस के में लेकर आए, क्योंकि किसी की मदद करना ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ आप कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हो. इट इज आवर ड्यूटी, इफ यू आर कैपेबल इनफ टू सपोर्ट समबडी, टू हेल्प समबडी, टू डू समथिंग गुड फॉर समबडी, यू शुड नॉट बी इन दैट जोन के हाँ मैंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है. लेकिन इन्होंने जो काम किया है इट इज कमेंडेबल. उसके साथ साथ मैं लिटरली शुक्रगुजार हूँ कर्नाटका गवर्नमेंट का, कर्नाटका पुलिस का, कर्नाटका के लोगों का, जिन्होंने इन्हें आने के लिए रास्ता दिया. एंड गाइज, फिर भी जान का रिस्क ड्राइविंग में हमेशा रहता है, चाहे आपको एक खाली रोड मिल जाए, क्योंकि आप एक स्पीड पे आ रहे हो, आपके दिमाग में 36 चीजें चल रही हैं. जिस बंदे ने इतनी तेजी से गाड़ी चलाई होगी उसके दिमाग में ये भी चीज होगी कि मुझे किसी भी तरह उस बच्ची को बचाना है. उस मेंटल प्रेशर के साथ, उस हार्ट को वहां पर पहुंचाना है, इस मेंटल प्रेशर के साथ किस तरीके से इन्होंने वो कार को चलाया है, आई डोंट नो. एम्बुलेंस कार इज लाइक ही हैज मतलब प्रूवन समथिंग के बड़े से बड़े रेस ड्राइवर मेडल ले आते हैं, और शायद एक जान बचाना किसी भी मेडल से बहुत बड़ी बात है. हम एक्टर्स के लिए सबसे बड़ी बात हो जाती है कि अगर ऑस्कर नॉमिनेशन मिल जाए, ऑस्कर अवार्ड मिल जाए. हम देखते हैं कोई रेस कार ड्राइवर होगा, उसे गोल्ड मेडल मिल जाए, हम बहुत खुश हो जाते हैं. लेकिन ही इज द पर्सन जिन्होंने शायद एक ऐसी ट्रॉफी जीती है, किसी की जान जीती है इन्होंने. तो शायद
मैं एक बात बोलूंगा, ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे देश के अंदर लोगों तक पहुंचने चाहिए। और गाइज, जिस जिस को भी आपको लगता है कि इसके बारे में नहीं पता है, पता होना चाहिए। एंड गाइज, सच पीपल शुड बी ऑलवेज बी अप्रिशिएटेड। एंड हैट्स ऑफ टू कर्नाटका गवर्नमेंट, आई एम लिटरली इम्प्रेस्ड द वे यू हैव टेकन योर स्टेट। एंड गाइज, आई एम लिटरली हैप्पी कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे हम एक दूसरे के लिए इतनी डेडिकेशन से जीते हैं। तो गाइज, बिग सल्यूट टू मोहम्मद हनीफ। हमारे चैनल पे जाके आप आने वाली और वीडियोस देख सकते हो। इनके साथ साथ आप हमें भी फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। एंड अपने सजेशन हमें देते रहिए कमेंट्स के द्वारा। हम अपनी इम्प्रूवमेंट को बरकरार रखते हुए और इम्प्रूव करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।